learning class 6 question number class 6 exercise 10.3 exercise 10.3 question number dusre ka third दूसरे का थर्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया और माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर कट गया तो आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आंसर क्या आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर फिर चौथा नंबर फोर एक्स वाई माइनस फाइव वाई जेड माइनस सेवन जेड एक्स माइनस सेवन जेड एक्स इसके बाद प्लस माइनस फाइव एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस माइनस टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई जेड प्लस थ्री जेड एक्स देखिए फोर एक्स वाई
minus 5yz minus 7zx minus 5xy plus 2yz plus zx minus 2xy minus 3yz plus 3zx 4xy minus 5xy minus 2xy 4xy minus 5xy minus 2xy फिर minus 5yz plus 2yz और माइनस 3yz माइनस 7zx प्लस zx और प्लस 3zx फोर एक्स वाई माइनस 5xy माइनस 2xy तो कितना हुआ 4xy minus 7xy फिर minus 8yz plus 2yz और इसके बाद minus 7zx plus 4zx minus 3xy minus 6yz minus 3zx minus 3xy minus 6yz minus 3zx answer समझ में आया आगे देखिए 4x square minus 3xy plus 2y square 4 xy minus 3xy plus 2y square plus पोस्ट में माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 2y स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 2y स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर
माइनस थ्री एक्स वाई, माइनस थ्री एक्स वाई और प्लस सिक्स एक्स वाई। प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर और टू एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई माइनस सिक्स एक्स वाई और प्लस सिक्स एक्स वाई। फिर इसके बाद टू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर काट दो, थ्री वाई स्क्वायर सिक्स एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर। समझ में आया? तीसरे का फर्स्ट थ्री एक्स, तीसरे का फर्स्ट थ्री एक्स माइनस एट एक्स माइनस फाइव एक्स, थ्री एक्स माइनस तेरह एक्स बराबर माइनस टेन एक्स। माइनस थ्री एक्स है क्या? तो माइनस फिफ्टीन एक्स। सेकेंड टू एक्स माइनस सेवन वाई प्लस एट वाई, टू एक्स माइनस सेवन वाई प्लस एट वाई। माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री जेड और माइनस जेड, टू एक्स और माइनस फाइव एक्स, टू एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सेवन वाई और प्लस एट वाई और प्लस थ्री जेड माइनस जेड, तो माइनस थ्री एक्स और प्लस वाई प्लस टू जेड आंसर। माइनस थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन में ही होमवर्क क्वेश्चन नंबर थ्री का थर्ड फोर्थ तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा स्वयं करना, ठीक है। आ जाएंगे, कोई दिक्कत कठिन नहीं है, आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गुड बाय।